कांग्रेस सरकार में महिलाओं को मिलेगा 1500 रुपए प्रति माह, 500 में गैस सिलेंडर, हर बेटी के जन्म पर 2,51,000, शादी पर 1,01,000 का अनुदान। बढ़ाइए हाथ कांग्रेस के साथ, फिर कमलनाथ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का फोकस आदिवासियों पर है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को विजयी बनाने की अपील की और कहा, भाजपा आदिवासियों पर अत्याचार कर रही है। कांग्रेस नेता एवं सांसद राहुल गांधी हरदा के सिराली पहुंचे और भाजपा सरकार पर हल्ला बोला। इस दौरान मंच पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, जिला अध्यक्ष ओम पटेल के साथ हरदा प्रत्याशी डॉक्टर आर के दोगने, टिमरनी प्रत्याशी अभिजीत शाह मौजूद थे। जनसभा में राहुल गांधी ने भाजपा पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने मुख्य रूप से अपना भाषण आदिवासी तबके पर फोकस कर मध्य प्रदेश में हुई घटनाओं का हवाला दिया। राहुल गांधी ने कहा कि बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आदिवासी युवक पर पेशाब की गई। उन्होंने कहा कि हम आपको आदिवासी कहते हैं जिनका जल, जमीन और जंगल पर अधिकार है, वहीं भाजपा आपको वनवासी कहती है, यानी जब जंगल नहीं रहेंगे तो आपकी पहचान खो जाएगी। उन्होंने कहा भाजपा आदिवासियों पर अत्याचार कर रही है। देखिए, राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय नेता है, आए थे हमारे दोनों चुनाव में प्रचार करने के लिए आए थे वो, और उन्होंने जनता को जो मैसेज देके गए, इससे हमको निश्चित ही 10-15% वोटों का सीधा सीधा फर्क पड़ेगा और दोनों सीट जीतने की कगार पे हम लोग हैं, जीतेंगे ही। देखिए, कांग्रेस के बहुत सारे मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार मेन मुद्दा है, हरदा जिले में भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर है, गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। आपने देखा भी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ कैसे कमल पटेल के लड़के ने हरकतें की है, तो इस तरह से लड़ाई लड़ेंगे, हम इनसे संघर्ष करेंगे और जीतेंगे और इनको हराएंगे। नारी शक्ति से एमपी शक्तिशाली। कांग्रेस सरकार में महिलाओं को मिलेगा 1500 रुपए प्रति माह, 500 में गैस सिलेंडर, हर बेटी के जन्म पर 2,51,000, शादी पर 1,01,000 का अनुदान। बढ़ाइए हाथ कांग्रेस के साथ, फिर कमलनाथ। कांग्रेस सरकार में 2,00,000 खाली पदों पर भर्ती, 3,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता, 1,500 रुपए प्रति माह हर स्कूली बच्चे को और हर विधानसभा में अंग्रेजी नवोदय विद्यालय। बढ़ाइए हाथ कांग्रेस के साथ, फिर कमलनाथ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।